20 अगस्त को ग्राम धनपुरा में एक युवक द्वारा अपनी मां की हत्या किए जाने की सूचना मिलने पर थाना पत्री पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एक महिला का खून से सना शव मिला। घटनाक्रम के संबंध में उच्च अधिकारी को जानकारी देने के साथ ही साक्ष्य संकलन कर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के संबंध में मृतका के पति सूरज भान पुत्र जल सिंह निवासी धनपुरा पथरी थाना हरिद्वार में प्रार्थना पत्र देकर अपने पुत्र सावन के विरुद्ध हत्या का अभियोग धारा 103 पंजीकृत कराया। घटना के संबंध में प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी मिली कि मां व बेटे के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई थी, जिस पर युवक ने फावड़े से अपनी मां की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। प्रकरण में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर आरोपी की तलाश एवं हकीकत से पर्दा उठाने के लिए गठित की गई टीम ने लगातार संभावित स्थलों पर ताबड़तोड़ तफ्तीशें देकर 21 अगस्त को हत्या आरोपी सावन को धनपुरा से दबोचने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ के दौरान पेशे से मजदूर नवी पास हत्या आरोपी ने बताया कि घर अपने नाम कराने के लिए कहने पर उसका अपनी मां से विवाद हो गया था। विवाद के दौरान मां द्वारा नशे की आदतों और पूर्व में जेल जाने की वजह से ऐसा करने से इनकार करने पर नशे में आकर उसने अपनी मां पर फावड़े और डंडे से ताबड़तोड़ वार किए और मृत समझकर घर से भाग गया। पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा डंडा व हत्या आरोपी की खून से सनी शर्ट बरामद की। बाद में विविध कार्रवाई आरोपी सावन को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बीस अगस्त को पथरी धनपुरा क्षेत्र में एक युवक के द्वारा अपनी मां की हत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची थी। इस संबंध में मृतका के पति सूरज भान के द्वारा अपने पुत्र सावन के विरुद्ध हत्या का अभियोग अंतर्गत धारा 103 एक भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत कराया गया था। एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा इस संबंध में हत्या आरोपी की गिरफ्तारी एवं अन्य साक्ष्य संकलन के लिए तत्परता से कार्रवाई करने के लिए टीमें गठित करने के निर्देश दिए थे। एसएसपी सर के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में 4 टीमें गठित की गई थी। इन टीमों के द्वारा लगातार फॉलोअप लेते हुए हत्या आरोपी सावन को धनपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा डंडा और हत्या आरोपी का उस समय पहना हुआ शर्ट बरामद करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।